जो डर जाता है वो भाजपा में चला जाता है, जो डरता नहीं है, झुकता नहीं है, उसको जेल में डाल देते हैं। भ्रष्टाचारियों की तीर्थस्थली जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज बन चुकी है। ऐसे कारगिल हीरो को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक क्षेत्र में शहीद कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि विक्रमादित्य के सामने राजनीतिक तौर पर वो कहीं नहीं टिकती। वो संगठन में और सरकार में अपने लिए आरक्षण की मांग करेंगे। श्री हरिहर हॉस्पिटल गुटकर मंडी, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर, अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल, ठीक है, अच्छी बात है, कंगना जी राजनीति में आई हैं, हमारी बेटी हैं, उनका स्वागत है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह और कंगना में अगर कोई तुलना की जाए तो मैं समझता हूँ कि विक्रमादित्य के सामने राजनीतिक तौर पर वो कहीं नहीं टिकती हैं। विक्रमादित्य एक बड़े विजनरी, ओजस्वी, कर्मशील और कर्मठ युवा नेता हैं और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में उनसे एक बहुत बड़ी उम्मीद है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो उनके सामने जो हैं वो कंगना जी कहीं नहीं ठहरती हैं, एक अच्छी अभिनेत्री हैं, उस क्षेत्र में अच्छा काम उन्होंने किया है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र में राजनीति के तौर पर वो पैर जमाने की कोशिश कर रही है, उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। पॉलिटिकली वो बहुत इमेच्योर हैं और उनके जो बयान हैं, उनकी जो बातें हैं, बहुत हास्यास्पद हैं। वो कहीं भी जो है वो एक नेता के तौर पर, एक नेत्री के तौर पर जो है वो लोगों को अपील नहीं कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफा चुनाव मंडी संसदीय क्षेत्र में होने जा रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में ब्रिगेडियर खुशहाल जी को कैंडिडेट बनाया यहाँ से, और उन्होंने कारगिल युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जो कारगिल की चोटियों के ऊपर उस कारगिल युद्ध में हमारे देश का तिरंगा जो था, ध्वज जो था, उसको लहराया था। और पिछले चुनाव में भाजपा ने इसको मुद्दा भी बनाया कि एक कारगिल हीरो को हमने जो है वो इस चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बार जिस कारगिल हीरो ने, जिस फौजी ने कारगिल की चोटियों के ऊपर देश का तिरंगा लहराया, ऐसे कारगिल हीरो को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक क्षेत्र में शहीद कर दिया। थोड़े से वोटों से वो पराजित हुए थे पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार उनकी मैं कहता हूँ कि बलि ले ली भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के तौर पर, और उनकी जगह कारगिल हीरो की जगह जो है वो बॉलीवुड की हीरोइन को लेके आ गए। तो यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। ये अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग तरह से सोचते हैं, ना इनकी किसी भी प्रदेश का या देश का जो कोई भी वर्ग है उसके प्रति इनके मन में कोई आदर मान सम्मान नहीं है। राजनीति, इलेक्शन जीतने की राजनीति करते हैं, सत्ता में बने रहने की राजनीति करते हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये संस्थाएं मिलकर किसी के ऊपर रेड करती हैं, किसी को टारगेट करती हैं, और फिर उसके बाद उनको डराया जाता है, दिखाया जाता है, और फिर जो डर जाता है वो भाजपा में चला जाता है, जो डरता नहीं है, झुकता नहीं है, उसको जेल में डाल देते हैं। तो जिन जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो भ्रष्ट हैं, चाहे वो चव्हाण थे, अजीत पवार थे, दुनिया भर के नाम हैं ऐसे, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि हज़ारों करोड़ रुपये का घोटाला है, ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कर रही है, इनकम टैक्स कर रहा है, चार दिन के बाद पता चलता है कि वो माला डाल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारियों की तीर्थस्थली जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज बन चुकी है। और एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो पार्टी कहती थी कि बीजेपी जो है वो चाल, चरित्र, चेहरे और पार्टी विद डिफरेंस है, वो तो बात ही नहीं रही। आज भारतीय जनता पार्टी की तो मैं समझता हूँ विचारधारा ही कोई नहीं है इस पार्टी में। तो जो भी आना चाहता है, दूसरी पार्टियों के लोग उठा उठा के, चाहे वो ईडी के डर से उठाए, सीबीआई के डर से उठाए, कोई लालच में गया, प्रलोभन में गया, खरीद के लेके चले गए। तो आज ज़्यादातर लोग तो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी विचारधाराओं के चले गए, और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, मूल नेता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अपना योगदान दिया है, उनकी आज हालत यह है कि वो सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठे हैं। और एक स्थिति भारतीय जनता पार्टी में ये आने वाली है कि भाजपा के जो असली कार्यकर्ता हैं वो संगठन में और सरकार में अपने लिए आरक्षण की मांग करेंगे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।